हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अवर चैनल पाठशाला। मैं हूं महेंद्र सिंह और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी MCQ 24 करंट अफेयर्स की क्लासेस। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2018 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2018 रिपोर्ट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ की फोरकास्ट क्या है फॉर 2018। तो वो है 7.2%। ठीक, और एक्चुअली यहाँ पे 2018 है, यहाँ 19 और ये 17। ठीक है, सो 2018 में 7.2% फोरकास्ट हुई है और 2017 में जो थी वो 6.7% थी और 2019 के लिए वो 0.2% और इंक्रीज करके 7.4% फोरकास्ट हुई है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GDP से रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली आ जाते हैं, सो प्लीज इसको याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से, खेलकूद से आप लोगों के लिए, गुरुदेव सिंह गिल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो गुरुदेव सिंह साहब जो हमारे हैं वो फुटबॉल से रिलेटेड है और ये हमारे गुरुदेव सिंह गिल की फोटो है और ये राजवर्धन सिंह राठौर हमारे मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। सो जो गिल थे उन्होंने 1978 में बैंकॉक एशियन गेम्स में भारतीय फुटबॉल टीम की कैप्टेंसी की थी। ठीक है, सो इस साल उन्हें ये स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाएगा, इसलिए इनका नाम काफ़ी चर्चा में है आजकल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सेफ सिटी सर्विलांस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर बेस है ये क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है। सो क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से सिटी ने सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम लॉन्च की है फॉर वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए ऑन पब्लिक प्लेस में। तो वो है बिहार, और बिहार में भी सबसे पहले पटना में, जो कि उसकी राजधानी है। सो बिहार राज्य ने ये स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में होगा क्या, फॉर चेकिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन एट पब्लिक प्लेसेस, यानी कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम होते हैं उसके अगेंस्ट ये इसमें चेकिंग होगी। कैसे, आखिर क्या किया जाएगा, इसके लिए सबसे पहले चुना गया है पटना सिटी को। इसमें 110 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और हर चौराहे पर CCTV कैमरा लगाए जाएंगे और एक इसके लिए इनबिल्ट टीम बनाई जाएगी जो इसके लिए चेकिंग करेगी। ठीक है, सो बिहार में पटना सिटी के लिए ये चीज हुई है, सो प्लीज इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन शॉर्ट EMC विल कम अप इन विच स्टेट। अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये एक अपने तरीके की पूरी छोटी सी सिटी टाउनशिप टाइप की होगी। इसमें क्या होगा, अलग अलग तरह की फैक्ट्रियां खुली जाएंगी। तो ये आंध्र प्रदेश में आ रहा है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि MeitY, अनाउंस्ड इन द ईयर 2012 यानी कि 2012 में घोषणा की गई थी कि एक ग्रीन फील्ड सेटअप लगाने, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है बिल्कुल नया प्लांट लगाना यानी कि नया इंडस्ट्रियल सेटअप लगाना कहीं पे भी। तो 2012 में इसकी घोषणा की थी जिसकी शुरुआत अब होगी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए मैं आपको एक चीज और बता दूं छोटी सी। ग्रीन फील्ड यहां पर नाम आ गया है, दो तरह की चीज होती है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, और एक होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब कोई पुराना प्लांट बंद पड़ा हो उसको खरीद कर वहां पे फिर से काम शुरू करना, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब बिल्कुल जमीन लेके नया सेटअप लगाना, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सौरभ चौधरी हु सिक्योर्ड मेंस कोटा प्लेस फॉर 2018 यूथ ओलंपिक गेम्स, यानी कि योग इज एसोसिएटेड विद विच गेम। पूछा गया है कि सौरभ चौधरी जो हैं हमारे, उन्होंने कौन सी स्पोर्ट्स में 2018 के लिए क्वालिफाई किया है योगा यूथ ओलंपिक गेम्स यानी कि योग के लिए। तो वो किस पे किससे रिलेटेड है? शूटिंग से। इसी तरह अगर वुमेन्स कैटेगरी की बात की जाए तो वो कौन है जिन्होंने शूटिंग में क्वालिफाई किया है? वो है मनु भाकर। ठीक है, महिला में मनु भाकर और मेंस में सौरभ चौधरी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज क्लिंच्ड, क्लिंच्ड मतलब होता है जीतना, ब्रॉन्ज इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द 10th एशियन चैंपियनशिप, यानी कि 10th एशियन चैंपियनशिप में 10 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? तो वह है हिना सिंधु, इन्होंने जीता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच न्यू इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, यानी UHCD यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, यानी कि ऐसा कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा हैं इस समय भारत के प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, इन्होंने कौन सी इनिशिएटिव लिया है, कौन सा स्कीम लॉन्च की है यूनिवर्सल हेल्थ डे कवरेज के ऊपर? तो वो है लक्ष्य, लक्ष्य नाम से इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी के ऊपर बेस्ड कि UHCD यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हर साल 12 दिसंबर को। और इसका मतलब क्या होता है, क्यों मनाया जाता है? टू प्रमोट द ह्यूमन राइट्स टू हेल्थ, यानी कि जो भी स्वस्थ जीवन के लिए हमारे जो भी राइट्स हैं उसके लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए हमारे राइट्स क्या क्या हैं उसके लिए 12 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये करवाता कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, कल फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।